अपने घर रहे मैं, ज्यादा उनके चक्कर में ना पड़े हॉस्पिटल हॉस्पिटल के, अपने ध्यान दे मैं, अपने घर रहे मैं ज्यादा। और क्या बोलते हैं, काढ़े बना बना कर पियो। हालांकि पहले भी सर्दी खांसी जुकाम होए करे, खूब होए करे, ठीक, लेकिन कोई बात नहीं, संकट की घड़ी है, सब दूर हो जाएगी। और प्रधानमंत्री जी से कि अगर सुनना चाहें वो दुनिया को, इस देश को, जो देश में हो रहा, पहली बात तो जो ये कोरोना से हो, कोरोना बीमारी जिनका हो जावे, संक्रमित हो जावे, उनके जहाँ पे इलाज चल रहा है वहाँ कैमरे लगाए जावे, लगाए जाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, जहाँ पे इलाज चलता है कोरोना पॉजिटिव होगा, और वहाँ से जहाँ तक वो जब उनकी डेथ हो जाती है, तो फिर बाद में जो जहाँ वहाँ से लेके वहाँ तक उनको लेके आते हैं, जहाँ पे इलाज चलता है वहाँ से लेके और जहाँ डेथ हो जाती है वहाँ पे जब रख देते हैं, वहाँ तक कैमरे लगाए जाने चाहिए और उसकी स्क्रीन लगनी चाहिए हॉस्पिटल के बाहर, ताकि जो परिवार वाले हैं वो देख सकें, क्योंकि इतनी वीडियो आ रही है, कहीं झोल तो नहीं हो रहा, कुछ होना चाहिए ना, ये बहुत ज़रूरी है ना। क्या कैमरे लगने जरूरी है या नहीं है ना? हाँ, जहाँ पे इलाज चलता है वहाँ पे भी, और वहाँ से लेके जहाँ उस बॉडी को जब ख़त्म हो जाता है कोरोना संक्रमित बंदा, फिर वहाँ तक आवे जिसे मुर्दा घर कह करें, वहाँ तक लगे होने चाहिए कैमरे। देखेंगे हम भी कि ये जो हमारे परिजनों की बॉडी को जो पैक करके दे देते हैं, हाथ नहीं लगाना, क्योंकि जब उसे आप हाथ लगाओगे, निलाओगे, धुलाओगे, खोलोगे, तो पता चलेगा ना कि आप क्या हुआ बॉडी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हेलो, राम राम जी, जय जवान जय किसान, सारे ठीक हैं, सब बढ़िया हैं। कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा, टीवी में देख रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उसके वो आंकड़े, बहुत ही ज़्यादा फैल रहा कोरोना, उसमें आ रहा था। लेकिन सभी अपना ध्यान रखें, अपने घर रहें मैं, ज़्यादा उनके चक्कर में ना पड़े हॉस्पिटल हॉस्पिटल के, अपने ध्यान दें मैं, अपने घर रहें मैं ज़्यादा। और क्या बोलते हैं, काढ़े बना बना कर पियो। हालांकि पहले भी सर्दी खांसी जुकाम होए करे, खूब होए करे, ठीक, लेकिन कोई बात नहीं, संकट की घड़ी है, सब दूर हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना ध्यान रखें। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी रिक्वेस्ट है, और प्रधानमंत्री जी से कि अगर सुनना चाहें वो दुनिया को, इस देश को, जो देश में हो रहा, पहली बात तो जो ये कोरोना से कोरोना बीमारी जिनका हो जावे, संक्रमित हो जावे, उनके जहाँ पे इलाज चल रहा है वहाँ कैमरे लगाए जावे, लगाए जाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, जहाँ पे इलाज चलता है कोरोना पॉजिटिव होगा, और वहाँ से जहाँ तक वो जब उनकी डेथ हो जाती है, तो फिर बाद में जो जहाँ वहाँ से लेके वहाँ तक उनको लेके आते हैं, जहाँ पे इलाज चलता है वहाँ से लेके और जहाँ डेथ हो जाती है वहाँ पे जब रख देते हैं, वहाँ तक कैमरे लगाए जाने चाहिए और उसकी स्क्रीन लगनी चाहिए हॉस्पिटल के बाहर, ताकि जो परिवार वाले हैं वो देख सकें, क्योंकि इतनी वीडियो आ रही है, कहीं झोल तो नहीं हो रहा, कुछ होना चाहिए ना, ये बहुत ज़रूरी है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम भाई, सलाम रणवीर भाई, हेलो, गुड मॉर्निंग। ये होना चाहिए नहीं, क्योंकि अपना अधिकार मांग रहे हैं, भारतीय नागरिक होने के नाते अपना अधिकार मांग रहे हैं भाई, ये तो जरूर होना चाहिए। क्योंकि जितनी वीडियो आ रही हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे, जो हॉस्पिटलों की वीडियो आ रही हैं, कहीं झोल तो नहीं हो रहा हमारे साथ में, क्योंकि छठी रिपोर्ट आने के बावजूद कनिका कपूर ठीक हो गई थी, गृह मंत्री जी को कोरोना हुआ था काफी दिन बाद, वो भी ठीक हो गए थे, अमिताभ बच्चन भी ठीक हो गए थे, लेकिन एक गरीब जाता है, आज जैसे गया है, कल अगले दिन या उससे अगले दिन सीधा वो डेड बॉडी आती है, वो ठीक होके नहीं आ रहा है अभी फिलहाल, आजकल जो हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है, प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध है, मौलिक शक्ति, हेलो भाई, अनुरोध है मेरा कि आप जो है ये कैमरे जरूर लगावें, जरूर, क्योंकि बहुत बड़ा झोल नहीं हो रहा जनता के साथ में, तो ये हमारा अधिकार है कि हम देखें,
हमारे परिजनों का इलाज चल रहा है जो, और ज्यादा से ज्यादा आप सभी अपने घर में रहें, अपना ध्यान रखें। अपने घर में रहोगे तो आप अपने आप को बचा सकते हो। ज्यादा जो हालात हो रहे हैं हॉस्पिटलों में, आप भी देख रहे होंगे, वीडियो भी आप देख रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा। और दूसरी बात, जो कोरोना फंड में इतने पैसे आए थे, मोदी जी ने किस राज्य को कितने पैसे दिए जरा बता मैं, वो देश की जनता जानना चाह रही है। क्योंकि आज जो हालात है, क्योंकि हमने ना कभी हॉस्पिटल मांगे ही नहीं, देश की जनता ने मांगे ही नहीं। लड़ाई जो थी वो मंदिर मस्जिद पे हमने की थी ना, हमारी गलती है। क्योंकि हमने वोट जो दिए थे वो हॉस्पिटल नहीं मांग के दिए थे, हमारी बहुत बड़ी गलती है। और हमें ये गलती अपनी आगे सुधारनी है, ठीक। और मोदी जी बतावें कि जो फंड इतना सारा आया था उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, और ये आपका जितने भी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जितने भी हैं, कितने कितने पैसे दिए उन्होंने राज्य सरकार को कोरोना के लिए, कोरोना के बचाव के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सवाल पूछने वाले हैं, ठीक है। बीमारियां गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन खांसी जुकाम पहले भी होते हैं, हमें भी पता, देश को पता। जो हॉस्पिटलों से वीडियो वायरल हो रही है उनका ध्यान रखते हुए आप अपने घर में रहें ज़्यादा से ज़्यादा। आशीष थैंक यू भाई, सन्नी थैंक यू भाई। तो आप लोग है ना, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ, सभी समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। सभी पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग जुड़े हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, सभी लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। क्योंकि जो वो वीडियो वायरल हुए उन्हें देख के बहुत रूसी कांपने लग रही है। देखा ना आपने वो जो वीडियो हॉस्पिटल से वायरल हो रहे हैं, इतनी परेशान जनता है। जब सब ने रैली बंद कर दी, विपक्ष वालों ने रैली रद्द कर दी, मोदी जी बंगाल में 3 रैली क्यों रख रहे हैं आप? जब आपको पता करो ना इतना भयंकर रूप ले रहा है तो आप मत रखो रैली, कैंसिल कर दो। वोट जरूरी है या देश की जनता का बचाव जरूरी है? कोरोना से लड़ना जरूरी है, इतना वोट जरूरी नहीं है? जब आप मानते हो कि कोरोना भयंकर रूप ले रहा, ऐसा कारण क्या कि आपने ये कुंभ 27 तारीख को ही बंद होगा? आप जनता के साथ खिलवाड़ ना करें, देश की जनता को भ्रमित ना करें। और आप सभी से अनुरोध है कि आप भ्रमित ना हो। मैं सबसे बड़ी बात यह है कि हम भ्रमित होते हैं तभी हमें कोई भ्रमित करे है, आपको नहीं होना, बिल्कुल भी कतई ना होना। आप सभी समझदार हैं, भारत की जनता है, सभी समझदार लोग हैं। भ्रमित देश को ना करें मोदी जी, देश की जनता को बतावें जो कोरोना में फंड आया था वो आपने कहां कहां दिया, कौन कौन से राज्य में दिया। बहुत दुख दिन समाचार चल रहा देश में, ये भगवान जानता, ईश्वर जानता कौन किसके साथ क्या खिलवाड़ कर रहा। हाँ जी मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। मेरी कोशिश रहती है, मैं सभी को तो देखो कॉल नहीं कर पाती हूँ, मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े ना, सभी को कर पाती, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं 2-4-5 लोगों को कॉल कर सकूँ। करती हूँ मैं 2-4 लोगों को कॉल, लेकिन सभी को नहीं कर पाती, माफ़ी चाहती हूँ। आगे कोशिश करूँगी कर पाऊँ आपको कॉल। इतने नंबर आते हैं, इतने कॉन्टैक्ट नंबर भी आते हैं मेरी लाइव में। थैंक यू सो मच, आप सभी ज़्यादा जुड़े मेरे दौर है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये सवाल पूछने वाले हैं, इन्हें शेयर करना। जो चीज़ शेयर करने वाली होती है उसे रोकना नहीं है, उसको शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। कि पूछने वाले हैं क्या कैमरे लगने ज़रूरी है या नहीं है ना। हाँ, जहाँ पे इलाज चलता है वहाँ पे भी, और वहाँ से लेके जहाँ उस बॉडी को जब ख़त्म हो जाता है कोरोना संक्रमित बंदा, फिर वहाँ तक आवे जिसे मुर्दा घर कह रहे हैं, वहाँ तक लगे होने चाहिए कैमरे। देखेंगे हम भी कि ये जो हमारे परिजनों की बॉडी को जो पैक करके दे देते हैं, हाथ नहीं लगाना, क्योंकि जब उसे आप हाथ लगाओगे, निलाओगे, धुलाओगे, खोलोगे तो पता चलेगा ना कि आप क्या हुआ बॉडी के साथ। जितनी वीडियो देखी है उसमें बहुत कुछ हुआ है, तो इसलिए कैमरा लगा हुआ है हर हॉस्पिटल के बाहर, उसका बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है जो सभी अपने परिजनों को देख पावे। जय जवान जय किसान जी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आप
गुड जॉब टाइगर पाशी, थैंक यू भाई। मैं कोशिश करती हूँ कि कर पाऊँ अब कुछ लोगों से बात, ज़्यादा से तो नहीं कर पाती हूँ, कुछ लोगों से मेरी कोशिश रहती है करने की। और ये बात पूछने वाली है, आप इस वीडियो को ना रोकना, क्योंकि मेरे पहले ही कहने से पहले आप मेरी वीडियो को काफ़ी हद में शेयर करते हो, मैंने देखा हुआ। लेकिन ये पूछने वाले सवाल हैं जो हमारे अधिकार हैं, एक भारतीय होने के नाते अपने अधिकार मांग रहे हैं। कहीं कुछ हमारे परिजनों के साथ, हमारी देश की जनता के साथ झोल तो नहीं हो रहा है? क्योंकि जो बड़े बड़े पाँच पाँच दिन तक इनकी रिपोर्ट, पाँच पाँच टेस्ट में जो नेगेटिव आई है, ये ठीक हो सके तो हमारे जो गरीब मजदूर हैं, देश की आम जनता, वो क्यों बॉडी में ही आ रही है तब्दील होकर, क्यों डेथ होकर उनकी आ रही है? तो इसको आप ना रोकना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय जवान जय किसान। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।